मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर देश की निगाहें थी। अब जो है नतीजे आ गए हैं, 8 तारीख को नतीजे आए हैं और इसके बाद बड़े अंतर से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह को चुनावी मैदान में हराया है। लगभग 2,90,000 के बड़े अंतर से हराया है। ये पूरा समाज हमारे साथ, समाजवादी पार्टी की किन्नर महासभा की प्रदेश अध्यक्ष पायल सिंह जी हैं। लगातार पायल सिंह और उनकी टीम पूरे मैनपुरी लोकसभा की 5 विधानसभाओं में घूम घूम कर इन्होंने लगभग 15 से 20 दिन प्रचार किया। अब नतीजे आ गए हैं, ये तिलक करके लौटे हैं। इतनी बड़ी जीत का अनुमान लगाया था आप लोगों ने? जी हाँ, हम लोग कहते नहीं है, किन्नर के अंदर एक भगवान का रूप होता है उसकी आत्मा में, तो वो चीज़ है। हम लोग को पहले से आभास हो गया था कि 2 लाख के ऊपर ही जाएंगी, क्योंकि लोग कह रहे थे कि कुछ भी हो सकता। हम लोगों ने कहा था नहीं, 2 लाख के ऊपर ही रहेंगी, क्योंकि हम लोगों ने 16 दिन रह के यहाँ मेहनत की। हम लोगों ने लोगों का यहाँ प्यार देखा, लोगों की सोच को देखा, लोगों में है क्या। लोग यहाँ पर कोई जानते नहीं, समाजवादी के अलावा कोई पार्टी यहाँ नहीं जानी जाती है। मैं कहती हूँ कितने बड़े यहाँ नेता आ जाएं, लेकिन समाजवादी को यहाँ कभी नहीं हरा सकते हैं। कहते लोग सही कहते थे कि ये समाजवादी का गढ़ है, वाकई में गढ़ है। जो आएगा नेताजी के गढ़ में और लड़ेगा, वो अपने मुँह की खा के जाएगा, यहाँ से बेइज्जती करा के जाएगा। हो गया है। चाचा और भतीजे अब एक हो गए हैं, दिल मिल गए हैं, पार्टी भी मिल गई है, तो कितना जो फायदा होगा? देखिए, चाचा भतीजे वाली बात नहीं, वो पहले भी एक थे, बस फर्क इतना था कि कुछ दूसरी पार्टी का दबाव था जिसमें उनको डराया जा रहा था। शायद उन्होंने वो हिम्मत अब उनके अंदर आ गई कि मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे जहां भेजना चाहें भेज दें। तो हमारे शिवपाल चाचा पहले से थे समाजवादी, हमेशा रहे हैं, वो एक बरसों से समाजवादी थे। बस फर्क इतना था, थोड़ा सा वो किसी कारण चले गए थे, लेकिन हमेशा वो सपोर्ट समाजवादी का ही कर रहे थे। और अब वो खुल के आ गए हैं मैदान में, अब वो लोग सोचे जिनके दिन पूरे हो रहे हैं। ये हाथ में थाली ली हुई है, ये थाली लेकर के कहाँ गए थे अभी? ये थाली लेके मैं डिंपल भाभी जी का तिलक करने गई थी और अपने छोटे नेताजी अखिलेश भैया जी का तिलक करने गई थी। साथ में मैंने धर्मेंद्र भैया का भी तिलक किया, सबका किया, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है और ये एक समय, आने वाले समय का आगाज है कि अभी हमने शुरुआत कर दिया है, अब जो दिन है वो बदलने के दिन आ चुके हैं। लगातार सपा जो है शासन प्रशासन पर सवाल उठा रहे थे, कहा जा रहा था कि जो है शासन प्रशासन कहीं ना कहीं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है। अब जो है 3 लाख वोटों के अंतर से जीत हुई है। देखिए, जो कह रहे थे वो ठीक था, इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि सब चीजें देखी, लेकिन कहते नहीं है, जनता ने इतना वोट डाल दिया था कि जो डब्बा खोला जा रहा था उसमें सिर्फ साइकिल ही निकल रही थी, सपा ही निकल रही थी। इसकी वजह से आखिरी में उनको कहना पड़ा है कि अब ओके इसको करके जीत कर दो, वरना कोई फायदा नहीं, सब सपा ही सपा निकल रहा है, इसमें साइकिल ही साइकिल निकल रही है। इसलिए क्योंकि अब जनता जाग गई है, अब जनता को बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल है, जनता उठ चुकी है। चलिए, अंतिम सवाल है, क्या जो है 2024 की यहाँ से तैयारी है, इस सेमीफाइनल मुकाबले के तौर पर देखा जाए? जी हाँ, ये 2024 की आगाज है भाई, इतनी बड़ी जीत, वो भी बम्पर जीत, इसका मतलब लोग बदल चुके हैं, जनता जाग चुकी है। अब 2024 में जिनको जाना है वो जाने के लिए तैयारी कर लें, जिनको आना है वो आ चुके हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं मनीषा शाह, पूर्व राष्ट्रीय सचिव। आज जो मैं सेपेई का दर्शन कर पाई, आज हमारे पायल सिंह जी की वजह से दर्शन कर पाई हूँ, जो हमारे पायल बड़ी बहन की तरह हैं। आज से नहीं, 15 साल से मेरी बड़ी बहन की तरह, लेकिन आज जो इन्होंने मुझे दिया है गिफ्ट, जो मुझे गिफ्ट दिया इन्होंने, आज मैं ये जिंदगी भर इनके आभारी बनकर रह सकती हूँ, रहूँगी। क्योंकि नेताजी जीवित थे तब काफ़ी बार नेताजी ने बोला तुम सेफे ही नहीं आई हो, हमने जी नेताजी हमको डर लगता है थोड़ा बाहर आउट स्टेशन जाने पे अकेले, तो आज पायल जी ने मुझे सुबह 4 बजे फ़ोन करके कह रहे मनीषा तुम फटाक से आ जाओ मेरे पास, हम लोग साथ चलेंगे। मुझे इतनी खुशी हुई, मैं आई हूँ भाभी की जीत की तो मुझे वहीं पर बहुत खुशी थी, मैंने घर पर भी मनाई, मिठाई भी बांटी लोगों को, लेकिन आज परिवार की एकता देख के मैं खुशी से समा नहीं रही हूँ। मुझे ये लग रहा है आप प्रदेश में जुनून पैदा हो गई है, आप कार्यकर्ता को कोई तोड़ नहीं पाएगा, जो विपक्ष डराते हैं आप डरा लो, हम लोग सामना करने के लिए तैयार हैं, आप डराओ हम लोगों को, हम लोग डरने वालों में से नहीं है। विपक्ष की सरकार जो हम लोगों को दबाव डालती है जगह जगह पे, हर क्षेत्र में हर नेताओं को परेशान करते हैं, पुलिस प्रशासन आप किसी चीज़ को लेके जाइए, पुलिस प्रशासन इतना दबाव डालती है, इतना ज़्यादा परेशान करती है, जो आप उस डर से आप किसी की सामना नहीं कर पाओगे, यही डर से हम लोग जो बैठे हुए थे। तो आज हम लोग इतनी ताकत मिल गई चाचा को देख के और भतीजे को देख के, दोनों चाचा भतीजे जो मेला देखा उसको देखने के बाद ये ताकत हम लोग के अंदर दोनों पैदा हुआ, अब जो करेंगे हम लोग उसके लिए सहने के लिए तैयार हैं।
अब जो भी हमारे ऊपर अत्याचार होगा हम उसकी उसकी तैयारी पे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चाचा पेंडुलम है, पेंडुलम की तरह इधर उधर जाते हैं, उसके बाद चाचा ने झूला झुलाने की बात कही, अखिलेश जी ने झूला झुलाने की बात कही, झूला झुला दिया है। देखिए ये योगी जी का जुमला है, वो तो उनकी आदत है, वो क्या जाने परिवार क्या है, परिवार हो तब तो जाने, परिवार के साथ बिताए हो समय तब तो जाने, बचपन में घर छोड़ के चले गए थे सन्यासी बन के, आप उनको पता नहीं कौन से देश की मोह माया जग गई जो मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठ गए। अरे आप न सन्यासी होकर मठ संभालो ना, अपने उसी में खुशी रहोगे, उसी में खुश रहो, परिवार के बारे में छोड़ दो, परिवार क्या करते हैं वो आपस में झूला झूल रहे हैं कि गोद में खेल रहे हैं कि खिला रहे हैं, उससे परिवार से मत बाहर रहो, आप परिवार की महत्व नहीं जान पाओगे, हम लोग जानते हैं, हम लोग परिवार वाले, हम लोग जानते हैं परिवार क्या चीज है, आप झूला झूलने वाली बात मत करिए। आशीर्वाद दिया है, बिल्कुल आशीर्वाद हमेशा रहेगा, हमेशा चाचा की रहेगा और रहे था और रहेगा हमेशा, ये परिवार उनका है। चलिए चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जो है पायल सिंह जी थी किन्नर महासभा की प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से, उनकी पूरी समस्त टीम जो है लगातार यहाँ पर पहले से ही मैनपुरी लोकसभा चुनाव के लिए गांव गांव गली गली और कूचे कूचे जाकर इन्होंने वोट मांगे हैं। आज जब जो है कल समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव की जो है बहुमत के साथ जीत हुई तो आज ये लोग तिलक करने के लिए पहुंचे थे। आप देख सकते हैं कि जश्न का जो माहौल है, ये सैफई का पूरा जो समाजवादी परिवार है, और मैं चाहूँगा कि जो है कैमरा को घुमा करके दिखाया जाए कि किस तरह से पूरी तरह से खत्म हो। अपने साथी कैमरा पर्सन आनंद यादव, राज मंसूरी की रिपोर्ट, नमस्कार।